जिस भाव का आपने विचार करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए देखना है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है Financial status मुझे चेक करनी है, तो आप right. सब लोगों को पता ही है शिवानी कि सेकेंड uh, हाउस से हम फाइनेंसेस देखते हैं राइट right? ओके yeah. okay. हमें कुछ नहीं करना हमें बस इतना करना है सेकंड लॉर्ड को जो हमारा डी वन बर्थ चार्ट का सेकंड लॉर्ड है उसको हमने डी नाइन में देखना है वो किस नवांश में गया जी ओके okay? जी. जिस भी नवांश में गया उसका कोई लॉर्ड होगा जी और वो लॉर्ड को वापस डीवन में लाना है और देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो ये कुंडली है है अक्टूबर की जिसमें जो आप बर्थ टाइम दिल्ली का बर्थ है तुला लगन की कुंडली है ठीक है अब मान लीजिए मुझे बताइए शिवानी इस कुंडली में टेंथ लॉर्ड कौन है चंद्रमा वेरी गुड मून हमने क्या करना है मून को नवांश में देखना है नवांश में किस हाउस में प्लेस्ड है किस साइन में प्लेस्ड है अगर आप देख पा रहे होंगे नवांश के अंदर ये मेष राशि में है है ना जी जी ओके okay. तो नवांश में मेष में गया तो यानी इसका नवांशाधिपति बना मंगल जी अब मंगल को मैंने बर्थ चार्ट में देखना है कहां बैठा है मंगल बर्थ चार्ट में सेकेंड हाउस में अपने साइन का बैठा है राइट right? जी Uh, चलिए देखते हैं अब इसी में मान लीजिए मुझे उसकी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता करना है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है कैसी है तो आ, uh, शिवानी इस कुंडली में इलेवेंथ लॉर्ड कौन है इलेवेंथ लॉर्ड सूर्य है सन गुड और वो नवांश में किस राशि में है नवांश में वो फोर्थ uh, हाउस में वा... मकर राशि में है मकर राशि में है, ठीक है मकर राशि का लॉर्ड शनि होता है ये ये हमें पता है 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 शनि को बर्थ बर्थ चार्ट में तो बर्थ चार्ट में में वापस देखना बस लास्ट स्टेप तो अगर हमने शनि की पोजीशन देखी तो शनि कहाँ प्लेस्ड है फोर्थ हाउस में अपने खुद के घर में प्लेस्ड है टू गुड टू गुड मतलब केंद्र स्थान में भी आ गया और अपने अपने घर का भी आ गया अपनी राशि का भी आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें इलेवंथ हाउस से रिलेटेड होगी वो इस नेटिव को यू कैन से एम्पल अमाउंट में मिलेगी सो so, mm. uh, यहाँ पर ये यह रिप्रेजेंट होता है कि इलेवंथ अर्निंग है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ये जिस नेटिव का चार्ट है चार्टेड अकाउंटेंट है एंड इज अर्निंग क्वाइट वेल और प्रोफेशनली mm. uh, भी काफी रिनॉन्ड है और mm. uh, अभी तक करियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आ